आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। आज की बहुत ही पावरफुल टेस्टमनी है, इतनी पावरफुल टेस्टमनी है कि आपने भी कभी सुनी नहीं होगी। एक बहन की गवाही है जो फोन पर दी थी। इस गवाही को पूरा सुने, आपके जीवन में सुधार आ जाएगी। और इस गवाही को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। इस गवाही को इतना ज़्यादा शेयर करें कि लोगों का विश्वास और मजबूत बन जाए। इस गवाही को पूरा सुने और लास्ट तक सुने। तो चलिए जी, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बोलिए। हाँ ब्रदर, मैं अपना टेस्टिमनी आपको दे पा रही थी। मतलब ऐसे ही मैं अपना टेस्टिमनी अभी तक दे पा रही हूँ ब्रदर, क्योंकि मेरे लिए मतलब चर्च में मतलब संडे में नहीं जा पाती हूँ, तो बाकी देश में मैं जाके वहाँ पे अपना गवाही तो दे पा रही हूँ, पर मेरे से पास्टर से उनकी वाइफ को मैं बाकी देश में नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारा डिस्टर्बेंस है। तो फिर इसीलिए ही ऐसे ही मैं मतलब मैं जानती हूँ कि प्रभु का गवाही देने से प्रभु हमारे लाइफ में रुके हुए काम भी करते हैं। हाँ जी, तो इसीलिए अभी तक आपको आपका जो ये चैनल है मैंने बहुत बहुत मतलब पिछले साल से, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत पहले से ही मैंने आपको सब्सक्राइब कर रखा है। तो अच्छा, फिर अच्छा। आपका हाँ जी, तो वहाँ से जब मैंने बीच बीच में मैं आपको टेस्टिमनी भी ऐसे ही देती हूँ, आपने शायद देखा भी होगा बहुत पहले। देखा था। हाँ जी हाँ जी, तो इसीलिए मैं कभी आपको मतलब आपके नंबर भी नहीं मांग पाई कि कैसे आपसे मतलब कांटेक्ट करूँ, या फिर कैसे सिर्फ मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु मैं कैसे मतलब मैं तो चर्च नहीं जा पाती हूँ, मैं कैसे अपना टेस्टिमनी दे पाऊँ। तो प्रभु ने मुझे मतलब होली स्पिरिट के द्वारा ये डाला कि आप उसमें गवाही दो तो सब लोग आपका देख सकते हैं, जितने भी लोग चैनल से मतलब जुड़े हैं वो लोग आपसे देख सकते हैं, आपका गवाही देख सकते हैं कर। तो मैं ऐसे ही गवाही दे पा रही हूँ। और ब्रदर, मैं आपसे एक मतलब ऑडियो कॉल से मैं कैसे मतलब टेस्टिमनी अभी आपको दे पाऊंगी। गवाही अपनी दीजिए जियो में इसी तरह कॉल पर। जी जैसे जी आप दे पाए। जी, जैसे मैंने लिखा है ना। हाँ ब्रदर, वो मैं रूपा अपनी गवाही आपको देना चाहती हूँ कि अभी रिसेंटली मुझे मतलब मेरे कान में मैं सोई हुई थी पिछले ट्यूसडे ही, मतलब ट्यूसडे की बात है, जहाँ पे कि ना मुझे मैं सोई हुई थी कि एक इंसेक्ट आके मेरे कान में घुस गया, तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं रात में प्रभु का नाम ले लेके मतलब रह गई। उस दिन मुझे बहुत पेन हुआ, उसके नेक्स्ट दिन भी बहुत पेन हुआ। तो उसके बाद जाके मैं डॉक्टर के पास गई, कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही थी कि प्रभु आप मुझे हीलिंग दीजिए करके। तो प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया ना कि वहाँ पर वो जो डॉक्टर था उसने मुझे कुछ दवाइयाँ लिख के दी थी, फिर उसने मुझे बुलाया था, फिर मेरा ईयर वॉश किया, तो वो जो इंसेक्ट था मेरे अंदर वो निकल गया। और मुझे पेन जी बहुत मतलब प्रभु ने बहुत ज्यादा मतलब कार्य किया मेरी लाइफ से, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ उनको। और फिर अभी एक महीने के पहले ही मतलब जून महीने में ही मेरे भाई की शादी के लिए मैं बहुत परेशान थी। तो उसके शादी के लिए बहुत सारे रुकावटें थी, जो प्रभु ने बहुत अच्छे से मतलब उस रुकावट को हटाया, अच्छे से उसका एंगेजमेंट करके उसका शादी भी करवा। मैं ये सब कुछ मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि प्रभु ने मेरे लाइफ में इतने सारे कार्य किए, और अभी मेरे पति के लाइफ में भी प्रभु कार्य कर रहे हैं। जो हमेशा मुझे माता पिता था, मुझे प्रभु का बाइबल पढ़ने नहीं देता था, मुझे प्रेयर करने नहीं देता था, आज मैं उसके सामने प्रेयर कर पा रही हूँ, बाइबल को पढ़ पा रही हूँ। पर उसको ये प्रॉब्लम है कि मैं चर्च नहीं जाना है करके, पर तो भी मुझे विश्वास है कि प्रभु वो रास्ता भी खोलेंगे, और समय आ गया है कि मेरे पति को भी प्रभु खींच लेंगे, ये मुझे विश्वास है। अभी भी मैं सबको बोलती हूँ कि मेरे पति का उद्धार प्रभु इसी साल में करेंगे, और ये सच में प्रभु करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग ने विश्वास किया है तो प्रभु भी बोलते हैं कि आप जब विश्वास करते तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से मैं दिल से प्रभु से थैंक यू बोल रही हूँ कि प्रभु ने मेरी लाइफ में कार्य किए। और मैंने जिनके लिए भी दुआ किए हैं, जो मेरी फ्रेंड है शर्मिला करके, उनके लोन वगैरह, मेरे पापा का लोन, जिसके जिसके भी लोन थे जिनके लिए भी प्रेयर किया, मेरे सास का, सबका लोन प्रभु ने मतलब क्लियर करवाया। इतने अद्भुत है हमारे परमेश्वर। हाँ, बहुत महान है परमेश्वर हमारे। हाँ जी, इतना कार्य करते हैं कि हम उनको धन्यवाद तक नहीं बोलते हैं। हाँ, जितना भी धन्यवाद करें उतना ही कम है। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि हम प्रभु के योग्य नहीं है, पर जितना वो हमारे लिए करते हैं वो ऊपर मतलब अनइमेजिनेशन से भी ज्यादा है।
तो जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं हमें थैंकफुल होना चाहिए। तो हम्म, और बहुत सारे जिनके पास बच्चे नहीं थे उनको भी प्रभु ने बच्चे दे, तो मुझे भी विश्वास है कि प्रभु नेक्स्ट साल में मुझे भी बच्चे देंगे। तो होने में भी दिक्कत हो रहे थे तो प्रभु ने वो भी चीज मतलब क्लियर करवाया। मेरा बीच में यूट्रस ऑपरेशन ऑपरेशन नहीं, उसको मतलब यूट्रस साफ करवाया था, तो बीच में उसी के लिए मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही थी, मेरे ब्लीडिंग्स वगैरह भी हो रहे थे। मैं सिर्फ फरवरी मंथ में भी मैं तभी डॉक्टर के पास गई थी, तो मैं प्रभु से कंटिन्यूसली प्रेयर कर रही थी, प्रभु मुझे ब्लीडिंग हो रहा है, आप मुझे हीलिंग दीजिए। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है कि एक स्त्री थी जो जिसका बहुत मतलब बहुत साल से उसका लहू खून बहता बहता था, था। लहू हाँ बहता। जी हाँ जी हाँ जी। तो प्रभु ने उसकी उसको उसने प्रभु का वस्त्र को छू के वो हीलिंग पा गई थी। तो उस मैं प्रभु को वो एग्जाम्पल दे दे के प्रेयर कर रही थी। प्रभु ने वो मतलब यूट्रस साफ करने के लिए डॉक्टर ने बोला, फिर मैंने वो क्लियर वो जब साफ करके 2-3 दिन के बाद मैं पूरा ठीक हो गई थी, पर थोड़ा बहुत कमजोरी मुझ में भी था, पर प्रभु ने उसको धीरे धीरे करके क्लियर करवाया। मैं अभी तक प्रभु को धन्यवाद देती हूँ क्योंकि जब से मैंने मतलब शादी करके आई थी 2018 से लेके अभी तक प्रभु मुझे संभाल रहे हैं। मैं नहीं जानती कि मेरा घर कैसे चल रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस के बाद भी मैं आज प्रभु में खड़ी हूँ क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। अगर मैं किसी और जैसे कि मैं हिंदू में ही रह के अगर प्रभु को नहीं मानती नहीं जानती तो आज मेरा लाइफ पता नहीं क्या होता। अभी भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ी हूँ, अभी भी मैं चिपके जाके कहीं पे प्रचार करने चली जाती हूँ। अभी भी मेरे पति को नहीं पता है कि मैं कहाँ पे जाई हूँ, कहीं पे चर्च भी जाके आती हूँ तो उसको नहीं मालूम है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मेरा प्रभु उसको जानने नहीं देगा। क्योंकि जब भी मैं चर्च जाने के लिए बोलती थी तो मेरा पति मुझे माफी करने लगता था, फिर मुझे बाहर जाने नहीं देता था, रोक टोक लगाता था, अभी भी रोक टोक लगाता है। पर तो भी मुझे विश्वास है कि समय आ गया है कि प्रभु हम दोनों को चर्च जाने के लिए रास्ते खोलेंगे, मेरे पति का कठोर हृदय को प्रभु चेंज करेंगे। नहीं, सब ठीक हो जाए, प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जब हम करते हैं हम करेंगे पति के लिए, आपके पति के लिए प्रार्थना। ओके। हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, ये मेरा टेस्टिमनी है ब्रदर, और बीच बीच में मैं आपके साथ तो जुड़ी हूँ ब्रदर, आपके लिए भी प्रेयर में रखूंगी ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष करें, और मेरा हर जो भी टेस्टिमनी होगा ब्रदर मैं आपको ऑडियो में ही सुनाऊंगी, नहीं तो ओके ऑडियो ओके। रिकॉर्डिंग भी होता है वो मैं आपको ऐसे ही भेजूंगी ब्रदर। देखिए, आपकी गवाही ठीक है, से बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी गवाही है, बहुत बढ़िया, परमेश्वर ने जीवन में कार्य किया आपके। हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, क्योंकि मैं अभी भी प्रभु को धन्यवाद बोल रही हूँ। बहुत लोग आए जो मुझे बहुत गिरा के गए, पर प्रभु ने मुझे हर वक्त उठाया ब्रदर। बहुत लोग तो विश्वासी लोग होते भी ना ब्रदर दूसरों को गिराते हैं कि मेरा पति बदल गया, तुम्हारा पति कैसे नहीं बदला। तो मतलब विश्वासी लोगों में अगर आप ये चीज पाएंगे तो आप अविश्वासी से क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि प्रभु तो पहले से ही बोलता है कि तुम्हारा अविश्वासी के साथ विश्वासी के साथ क्या नाता है हाँ हाँ क्या तुम्हारा। नाता है। हाँ जी, तो पर हमारे जो विश्वासी लोग हैं वो लोग तो चर्च में भी रह के हमें ताना देते हैं, वो तो हर चीज में कंपैरिजन करते हैं कि मेरे पास ये है तुम्हारे पास नहीं है, क्योंकि उसको ही उसका वैल्यू पता है ब्रदर, जो घर में रह के हर चीज के लिए तरस रहे प्रभु को प्रभु के पास आने के लिए। पर जो लोगों को ना चर्च जाने के लिए मिल रहा है वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हमें पता है कि हम प्रभु से कितना प्यार करते हैं, हम उनके लिए कितना मतलब हर चीज के लिए लड़ते हैं, अपने घर में बहुत कुछ सहते हैं, पर बाकी लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारा क्या है। मतलब भाई बहन क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं ब्रदर, कि जो एक हिंदू फैमिली में रह के भी स्ट्रगल करके चर्च आने के लिए बहुत स्ट्रगल करती है वही जानती है जो खुद स्ट्रगल कर रही है ब्रदर। प्रभु अच्छा, बोलते हैं, हिंदू परिवार से हैं आप? हाँ ब्रदर, हाँ हाँ, ब्रदर, हिंदू क्योंकि परिवार से मेरे हम भी हैं। अच्छा अच्छा ब्रदर, तो फिर आपका फैमिली कैसे है ब्रदर, मतलब आपके फैमिली में सब लोग मतलब प्रभु में है? हाँ, सभी लोग प्रभु में हैं। 9 साल से, 9-10 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आपकी जो फैमिली होंगी, आपकी वाइफ होंगी, उनकी फैमिली नहीं, भी सब? हमारी शादी भी नहीं हुई है। अच्छा अच्छा ब्रदर, सॉरी हाँ, मुझे नहीं होती। नहीं कोई बात नहीं। हमारी मम्मी है, पापा है, बहन है एक, और हमारे 2 भाई हैं, हमारी भाभी हैं, और हमारा छोटा एक भतीजा है बस। अच्छा ब्रदर, तो ब्रदर मेरी दीदी भी है तो वो भी बपतिस्मा ले चुकी है, और बपतिस्मा के लिए भी हम लोग ने बहुत स्ट्रगल किए हैं ब्रदर। मेरी दीदी भी बहुत मुश्किल से बपतिस्मा ले, हमारे घर से छिपके मैंने भी घर मेरे हस्बैंड से छिपके मैंने बपतिस्मा ले। अगर मेरा फैमिली मतलब मेरे पति का फैमिली अगर यहाँ पर रहता तो मुझे कभी भी बपतिस्मा लेने के लिए नहीं देते,
तो इसलिए मैं प्रभु को सच में दिल से धन्यवाद दे रही हूँ कि वो उनका फैमिली नहीं होने की वजह से एटलीस्ट मैं छिपके भी प्रभु के जैसे जा पा रही हूँ, मैं यूट्यूब से जुड़ पा रही हूँ, मैं सबका मैसेज सुन के बहुत कुछ नॉलेज गेन कर पा रही हूँ ब्रदर। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हूँ। मैं चाहती हूँ कि दिल से प्रभु मेरा ये गवाही बाकी लोगों को भी सुनाए, जो एक जो सिंगल वाइफ जो है वो भी कितना स्ट्रगल कर रही होगी, एक विश्वासी अविश्वासी के साथ रहे के कितना स्ट्रगल कर रहे होंगे वो प्रभु ही जानते हैं। सच में प्रभु को महिमा मिले ब्रदर। मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपके घर में प्रभु आपके घर में भी बहुत खुशियां भरते, आपकी भी बहुत अच्छी वाइफ मिले जो आपको बहुत केयर करें, और प्रभु आपके मिनिस्ट्री को भी ज्यादा बढ़ाए ब्रदर। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपका मिनिस्ट्री अच्छे से बढ़े। देखिए परमेश्वर बहुत महान है, प्रार्थना में लगे रहिए, हम भी करेंगे प्रार्थना, सब सही हो जाएगा धीरे धीरे। आपके पति भी धीरे धीरे विश्वास करने लगेंगे धीरे धीरे से। आपकी गवाही से बहुत लोगों का जीवन बदल जाएगा, बहुत अच्छी गवाही है, बहुत चमत्कार परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, और भी आगे परमेश्वर आपको लेकर जाएगा। हाँ ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। प्रभु आपको भी बहुत आशीष करे, क्योंकि ब्रदर जब मैं अभी दो तीन महीने ही मैं अपने घर गई थी ब्रदर, तो पिछले मतलब कितने ब्रदर अक्टूबर में शायद मैं घर गई थी, तो मैं मेरा हस्बैंड मुझे भेज नहीं रहा था, मतलब मेरे घर जाने के लिए भी नहीं भेज रहा था वो। तो प्रभु की दया से बहुत मुश्किल से गई, तो मैं वहाँ पे प्रभु को इसी बात बोल के गई कि प्रभु आप मुझे मेरे घर जाने दीजिए, आपका काम करने के लिए मुझे भेजिए, मुझे किसी और के काम के लिए मत भेजिए करके। पर उसी टाइम पे जब क्या हुआ ना कि मेरे मम्मी पापा भी इसके अगेंस्ट में थे, मुझे चर्च नहीं जाने देते थे, पर प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया ना, उन्होंने सब रास्ता तोड़ दिया, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि मैं चर्च जा पाऊँ करके। तो वहाँ पे जाके मैं गवाही दे पा रही थी ब्रदर, उड़ीसा में, उड़ीसा मेरा घर है ब्रदर। अच्छा, तो वहाँ पे मैं जाके वहाँ के चर्च में भी मैं जा रही थी, तो तभी भी मैं प्रार्थना करके गई कि प्रभु आप मुझे दया करो, मेरे पति को कुछ मालूम ना पड़े, ना ही मेरे ससुराल वाले जो वहाँ पे है उनको कुछ मालूम पड़े, तो कभी किसी को कुछ मालूम नहीं हुआ है ब्रदर। ताकि हाँ ब्रदर, क्योंकि वैसे करके और प्रभु को महिमा मिला है। मैं प्रभु को अभी भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने मुझे इतने अच्छे से वहाँ पे भी आपका गवाही देने के लिए मौका दिया। मैं गवाही के लिए रोती थी ब्रदर प्रभु के सामने कि प्रभु मुझे देना है, मैं क्या करूँ करके। फिर एक ऐसा समय प्रभु ने दिया कि उस टाइम पे जब मेरा पति नहीं था, यहाँ पे ही था, वहाँ पे मैं जाके प्रभु के बारे में गवाही आगे लोगों को वहाँ पे बता पाई थी, पर मैंने वहाँ पे सुन समझ कर प्रचार नहीं कर पाई थी ब्रदर, क्योंकि मैं घर मम्मी पापा के पास थी, तो वहाँ पे सुन समझ कर प्रचार नहीं कर पाई थी। जब यहाँ पे कोरोना था उस टाइम पे मैं प्रभु से जिद कर रही थी कि प्रभु मुझे आप ना मुझे हेल्प कीजिए कि मैं आपको सुसमाचार प्रचार करूँ, तो प्रभु तभी मुझे हेल्प किए थे ब्रदर। मैं मास्क पहन के जाके हमारी ये जो कॉलोनी है, कॉलोनी और उससे आगे वाले कॉलोनी में भी जाके मैं प्रचार कर पाई थी प्रभु की दया से। मैं हेल्प मांगती थी प्रभु से कि प्रभु मुझे हेल्प कीजिए आपका सुसमाचार प्रचार करने के लिए, मेरी गवाही से बाकी लोगों का लाइफ चेंज हो। तो उस टाइम से मैंने सबसे जाके प्रभु के बारे में बताया था ब्रदर, तो अभी भी वो काम जारी है ब्रदर। मैं प्रभु से अभी भी प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु मुझे हिम्मत दो, मुझे ताकत दो कि बाकी लोगों को मैं ठीक से बोल पाऊँ। और बाकी लोग ना ब्रदर जब हम प्रचार भी करते हैं तो वो हमारे ऑपोजिट में बोलते हैं, उनको मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ ब्रदर, वो एक कमी मुझ में हो गई है। क्योंकि बाकी लोग जो बोलते हैं ना हमारे भगवान ही है, सब भगवान एक ही है करके बोलते, अच्छा, उनको मैं अभी भी आंसर नहीं दे पा रही हूँ ब्रदर। नहीं, उनको मालूम तब पड़ेगा जब यहाँ रह जाएंगे, मसीह विरोधी के हाथ में पड़ेंगे तब उनको मालूम पड़ेगा, तब रोने की गिलाने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। क्योंकि उस टाइम के लिए मैं भी मतलब मैं प्रभु से बोल रही थी कि प्रभु मुझे अगर ऐसे विरोध करने वाले लोग मिलेंगे तो मैं उनको आंसर नहीं दे पा रही हूँ, आप मुझे हेल्प करो करके। तो प्रभु मुझे गाइड करते थे कि इसको मत बोलो, उसको मत बोलो, आगे जाओ, वैसे करके प्रभु मुझे गाइड करते थे अगर, क्योंकि मैं वो लोग को जवाब नहीं दे पाती थी। अब देखिए, जो मूर्ख है जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं, उन मूर्खों के सामने परमेश्वर के वचनों को मत बोलना, ठीक है, क्योंकि वो समझेंगे है नहीं। हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, इसीलिए प्रभु मुझे गाइड कर देते थे कि इसको मत बोलना, उसको बोलना, उसको बोलना, पर इसको मत बोलना। तो ऐसे करके मैं रुक रुक के रह रहे के सबको आंसर देती थी ब्रदर, बाकी लोगों को नहीं बताती थी। और प्रभु ने मुझे सबसे अच्छा ब्रदर ना
जो हमारा झोपड़पट्टी वाला जो एरिया होता है ना ब्रदर, अच्छा वहां पे अच्छा बहुत गरीब लोग होते हैं। तो वहां पे मैंने ऑलमोस्ट देखा है कि ब्रदर वो लोग सुसमाचार बहुत अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि हाँ जिसके बहुत पास अच्छे खाना, से। हाँ ब्रदर, क्योंकि वहाँ पे सुसमाचार जब सुनाते हैं तो वो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके लिए खाने पीने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। पर तो जिनके पास सब कुछ होता है, यहाँ पे बहुत सारे पंजाबी प्रोटेस्टेंट भी हैं जो लोग ना हाथ जोड़ के मना करते हैं कि हमारे भगवान ही ग्रेट है, क्योंकि वो लोग भी दशमांश देते हैं ब्रदर। जैसे हमारा जैसे कि हमारा तिथि होता है ना ब्रदर, वो दशमांश हमारा जैसे होता है, वैसे पंजाबी लोगों का भी होता है ब्रदर यहाँ पे। तो इसीलिए वो ऑलमोस्ट है ना अपने को ही ऊंचा करते हैं और किसी की बात सुनते नहीं है। तो इसीलिए मैं उस ये में भी नहीं जा पा रही थी, वहां पे भी मैं नहीं बता पा रही थी प्रभु के बारे में। अच्छा हाँ ब्रदर, तो मैं आपके साथ और भी जुड़ूंगी ब्रदर बाकी ये में, क्योंकि ब्रदर और बीच बीच में जब भी मेरा टेस्टिमनी होगा ब्रदर, मैं आपको कॉल करके नहीं तो हाँ ऑडियो ओके। में अब भी ब्रदर। अगर देखिए आप आपकी आपकी गवाही बहुत लोग देखेंगे, हम आपकी गवाही अपलोड कर सकते हैं चैनल पर। हाँ हाँ जी, हाँ जी ब्रदर, हाँ जी, ओके थैंक यू। हाँ थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बहुत लोगों का लाइफ बदले मेरे हाँ द्वारा भी आपको ब्रदर, भी थैंक यू। परमेश्वर बहुत ऊंचे पर लेकर जाए। हाँ ब्रदर, आपको भी ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि आपका मिनिस्ट्री भी बहुत बड़े, आपके मिनिस्ट्री के लिए मैं जरूर प्रार्थना दुआ करूंगी ब्रदर। देखिए आप परेशान हो, ओके, बिल्कुल निश्चित रहिए, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आपके पति के लिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी ब्रदर, हाँ जी ब्रदर, ओके ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, थैंक ओके, यू, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, ओके ओके ब्रदर, प्रेज द ओके लॉर्ड। ओके।